नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जायसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 सोशल साइंस, डेमो कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 1, ज्योग्राफी चैप्टर क्लाइमेट। वी हैव सीन देर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ कंट्रोलिंग फीचर्स, सो सिक्स मेजर कंट्रोल्स ऑफ द क्लाइमेट, दैट इज लेटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ओशन करंट एंड रिलीफ फीचर्स। नाउ वी आर एट रिलीफ फीचर्स। द टोपोग्राफी वेदर नियर बाई अ रिवर, माउंटेन और डेजर्ट ऑल्सो एफेक्ट क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ दैट एरिया। तो उस जगह का कैसा क्लाइमेट रहेगा इसको डिटरमाइन करते हैं। सो क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ दैट एरिया, सो अलग अलग जगह का रिलीफ है, कुछ माउंटेनियस होते हैं, कुछ फॉरेस्ट होते हैं, डेजर्ट होता है। तो जैसा रिलीफ होगा, कोस्टल रीजन है, जैसा रिलीफ होगा प्लेट्यू हो सकता है। सो ऑन दैट बेसिस ऑल्सो दैट वेदर पैटर्न डिपेंड्स। नाउ वी हैव सीन व्हाट इज द लेटिट्यूड। सो लेटिट्यूड के बारे में हमने देख लिया कि मान लीजिए जैसे अर्थ है, तो अर्थ के अलग अलग लेटिट्यूड्स हैं। सो इसी तरीके से इसके अगर हम अलग अलग पीस करें अर्थ के, सो ये इसका सेकंड लेटिट्यूड हो जाएगा। फिर इसके नीचे और जाएं, सो इसका एक और है। तो अलग अलग अगर हम स्लाइसिंग करते जाएं, तो अर्थ की स्लाइसिंग करने पर हमको इसके बहुत सारे पार्ट मिलेंगे। तो ऐसे सर्कुलर पार्ट मिलते चले जाएंगे, और फिर हम इसी तरीके से पूरे अर्थ को अगर हम डिवाइड कर दें, तो वो कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। सो उसके कई स्लाइस बनेंगे, एंड दो स्लाइस विल बी कॉल्ड एज लेटिट्यूड। तो अलग अलग स्लाइसिंग अगर हम करते जाएं, जैसे टमाटर की करते हैं, तो ये स्लाइस हैं इस तरीके से। सो देर आर वेरियस लेटिट्यूड्स। 180 लेटिट्यूड्स होते हैं, जो 0 90 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री साउथ तक चलते हैं, और इसे जीरो लेटिट्यूड कहा जाता है, 0 डिग्री लेटिट्यूड। सो दिस इज 0 डिग्री लेटिट्यूड। देन व्हाट डज इट मीन बाई लॉन्जिट्यूड्स। तो लॉन्जिट्यूड्स का क्या मतलब है? अर्थ में अगर हम हॉरिजेंटल की जगह वर्टिकल डिविजन्स करें, जैसे कि ये पोल है, तो पोल से अगर हम 360 डिविजन्स करें इसी में, तो 360 डिविजन्स करते चले जाएं, जैसे कि तरबूज काटा जाता है, देन इन दिस केस वी विल बी हैविंग 360 लॉन्जिट्यूड्स। तो अगर ऐसे करते चले जाएंगे, देन इट विल बी लॉन्जिट्यूड्स। ऐसे हमने डिविजन्स कर लिए। सो दीज आर, और जहां पर लंदन के ऊपर एक प्लेस है जो ग्रीनविच है, सो वहां सारे साइंटिस्ट बैठे थे टाइमलाइन को डिसाइड करने के लिए। सो उस प्लेस का नाम था ग्रीनविच। सो वहां से जो लाइन जाती है उसको कहते हैं GMT, यानी ग्रीन विच मीन लाइन, मीन टाइम। उसको 00 आवर्स माना गया, तो उसको कहा जाएगा 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड, क्योंकि ये लेंथ वाइज इसलिए लॉन्जिट्यूड कहा जाता है। फिर इसके अगर आप इधर चले, तो यहां से इसके ठीक पीछे पहुंचोगे, इसके ठीक पीछे, इसके अपोजिट वाला, ये वाला, ये जैसे है तो ये है, इसके अपोजिट भी एक होगा, तो उसको वहां पर पहुंचोगे, तो चूंकि आप इसमें इधर चल रहे हो वेस्ट की ओर, तो वो 180 स्लाइसेस मिलेंगे। तो 180 डिग्री ईस्ट का लॉन्जिट्यूड होगा, और अगर आप उसी में वेस्ट की तरफ मूव करोगे, तो 180 डिग्री वेस्ट का लॉन्जिट्यूड होगा। सो ईस्ट, और अगर इधर चल दिए, तो ये 180 पीसेस मिलेंगे। तो इट इज, यहां पर जब पीछे पहुंचोगे, तो वही जो 180 डिग्री इधर से ईस्ट पहुंचा है, वही यहां से अगर चलोगे, तो 180 डिग्री
वेस्ट द सेम इज, यही वाला 180 डिग्री वेस्ट है, तो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट कोइंसाइड कर जाते हैं। देयर आर टोटल 360 लॉन्जिट्यूड्स, देयर आर 360 लॉन्जिट्यूड्स, कहाँ से कहाँ तक, 180 डिग्री वेस्ट से अगर हम चले 180 डिग्री वेस्ट घूमते घूमते, तो ऐसे ऐसे लगेगा जैसे हमको 360 फांके मिल गई हैं तरबूज की। सो 360 लॉन्जिट्यूड्स कौन कौन से हैं, फ्रॉम रेंजिंग फ्रॉम 180 डिग्री वेस्ट टू 180 डिग्री ईस्ट। सो ये अलग अलग लॉन्जिट्यूड्स हो जाएंगे, बट लॉन्जिट्यूड से कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सन रेस का एक लॉन्जिट्यूड में एक जैसा टेम्परेचर थोड़ी ना है, उसी में पोल भी आ जाएगा, उसी में इक्वेटर भी आ जाएगा, उसी में सब ट्रॉपिकल रीजन, क्योंकि अर्थ तो रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है, तो सन रेस का हर जगह, सन अगर मान लीजिए यहाँ से सब जगह रेस भेज रहा है तो हर एक पोर्शन उसके सामने आएगा, तो इसलिए लेटीट्यूड से फर्क पड़ता है। लेटीट्यूड पे रेस सीधी गिरती हैं और जो 0 डिग्री लेटीट्यूड पर सीधी हैं और 90 डिग्री पर तो पहुंच ही नहीं पाती, तो इसलिए वहां पर कोल्ड रहता है, एक्सट्रीम कोल्ड। और लॉन्गिट्यूड, सो एट ऑल द लॉन्गिट्यूड्स टेम्परेचर डज नॉट वेरी विद लॉन्जिट्यूड्स, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है इस तरीके से, तो सभी चीजें सन के सामने वैसे वैसे आएंगी, और किसी एक लॉन्जिट्यूड में ऊपर से नीचे चलने पर कोल्ड, सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल कोल्ड, तो हर लॉन्गिट्यूड में वही चीज आएगी क्योंकि घूम रही है। सो क्लाइमेटिक कंडीशन डज नॉट वेरी विद लॉन्जिट्यूड्स। इट वेरी विद लेटीट्यूड, सो क्लाइमेट वेरीज विद लेटीट्यूड, लॉन्जिट्यूड से वो बदलता नहीं है। नाउ वी विल लर्न समथिंग मोर अबाउट लेटीट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड, हाउ इट इज द अर्थ इज सब डिवाइडेड इन टू लेटीट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड टू लोकेट ए पर्टिकुलर प्लेस। A home in the vast universe. The Earth's circumference is nearly 25,000 miles from start to finish. There are so many places on the Earth. How is it possible to precisely locate just one of them? For instance, what if I wanted to tell a friend the exact location of the Coronado Bridge in San Diego? It would be hard to describe. But give him the coordinates of the bridge, and he should be able to find it quite easily. To find precise locations, parallels of latitude and meridians of longitude form an invisible grid over the Earth. Latitude. Lines of latitude, also known as parallels, circle the globe from east to west. These lines are all the same distance apart, about 69 miles. Each degree of latitude is separated into smaller pieces called minutes. There are 60 minutes in one degree. Similarly, each minute is divided into 60 seconds. The equator lies at 0 degrees, halfway in between the north and south poles. There are several other unique lines of latitude. The Tropic of Cancer lies at 23.5 degrees north, and the Tropic of Capricorn lies at 23.5 degrees south. The part of the Earth that lies between these lines is called the tropics. It's known for its hot temperatures, heavy rainfall, and dense jungle. The Arctic Circle lies at 66.5 degrees north, and the Antarctic Circle lies at 66.5 degrees south. The area of the Earth between these parallels and the tropics is characterized by 4 distinct seasons. Longitude. The lines that run north and south are called meridians of longitude. These lines are measured the same way as parallels of latitude using degrees, minutes, and seconds. However, unlike latitude, lines of longitude are not equidistant from each other. Meridians intersect at the north and south pole,
0 degrees longitude is called the prime meridian. It passes through the Royal Greenwich Observatory. Now, here it is saying that whatever are various latitudes, these are equidistant. Here, you can see that these are equidistant. Various latitudes are equidistant. However, longitudes poles ke pass mein mil jate hain. But, jo beech mein aate ye wider ho jate hain. You can see here. So, here you can see. Equidistant nahi hai. Pole mein to sare mil gaye. To unke beech mein koi distance hi nahi. Equator mein sabse dur hai. 0 degrees longitude is called the prime meridian. It passes through the Royal Greenwich Observatory in Greenwich, England. Using latitude and longitude, the precise location of San Diego can be written as 32 degrees, 42 minutes, 54 seconds north latitude, 117 degrees, 9 minutes, 25 seconds west longitude. So particular place can be located by longitude and latitude. This is grid over the earth. Now this grid, this is here you can say see the location of India. Of latitude and meridians of now this is India, so various lines are passing horizontal and vertical in degrees, minutes and seconds, and it allows us to pinpoint exact locations anywhere on the face of the earth. Now, the factors affecting India's climate के तो हमने देख लिया था कि 6 controlling factors हैं, but India के climate को इसमें से कौन-कौन से factors ज़्यादा affect करते हैं? So, the factors affecting India's climate is latitude. हम किस latitude पर हैं? हम tropical and subtropical region में पढ़ते हैं. तो जैसे हमने देखा कि India का location कहीं इस तरीके से है, यहाँ पर India इस तरीके से है, तो India इस तरीके से अगर located है, तो ये हो गया tropical region, क्योंकि ये equator के दोनों तरफ tropical हो गया, और आधा हम tropical में पढ़ते हैं और आधा subtropical में पढ़ते हैं. सो इंडिया के क्लाइमेट को जो इफेक्ट करता है वो है लैटिट्यूड, कि हमारा लैटिट्यूड क्या है, कि हम इक्वेटर से कितने दूर हैं, यही चीज लैटिट्यूड कहलाती है ना. सो इट इज लैटिट्यूड जो हमारे क्लाइमेट को डिटरमाइन करता है. नेक्स्ट इज एल्टीट्यूड, किस हाइट पे हम जाते हैं. सो एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड्स, एंड प्रेशर एंड विंड, ये एक थर्ड पॉइंट है. तो उससे भी हमारे यहाँ का जो जगह जगह साइक्लोन आते हैं, तो कहीं कुछ आता है, तो उसकी वजह से ये आता है. सो दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट. India's climate has characteristics of tropical as well as subtropical region. तो आधा ये जो region है India का, ये tropical में पड़ गया, क्योंकि Tropic of Cancer है और उसके ऊपर subtropical. So it is tropical. और जो इसके ऊपर वाला हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा, ये हो गया subtropical. Tropic of Cancer से ऊपर हुआ subtropical और नीचे हुआ ये सब ट्रॉपिकल. शीत उष्ण, सब ट्रॉपिकल का मतलब सर्दी भी पड़ेगी गर्मी भी पड़ेगी, तो ये सब ट्रॉपिकल रीजन है. और ये हो गया ट्रॉपिकल रीजन. और ये जो लाइन है जो इंडिया के बीच से गुजरती है, उसको कहते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. तो उसके ऊपर सब ट्रॉपिकल और नीचे ट्रॉपिकल. नाउ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासस फ्रॉम मिड ऑफ इंडिया. Tropic of Cancer. Tropic of Cancer क्या है? Which divides Earth into two different climatic region. ये है Tropic of Cancer. जो ये तो पहले बीच वाली equator हो गई. अब equator के ऊपर की ये जो ये line है, ये Earth को
सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन में डिवाइड करती है। ट्रॉपिकल का मतलब उष्ण कटिबंधीय है, बिल्कुल गर्म, और सब ट्रॉपिकल का मतलब है कि विंटर प्लस समर शीतोष्ण कटिबंधीय है। तो इस तरीके का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच डिवाइड्स अर्थ इंटू सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल बेल्ट एंड ट्रॉपिकल बेल्ट पासस फ्रॉम मिड ऑफ इंडिया, पासस फ्रॉम मिड ऑफ इंडिया। सो इंडियन क्लाइमेट, इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? इंडिया फॉल्स इन सब ट्रॉपिकल एज वेल एज ट्रॉपिकल रीजन। सो इंडिया फॉल्स इन सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल रीजन। सो इंडिया में दो तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशन है, नीचे के हिस्से में ज्यादा गर्मी और ऊपर विंटर प्लस समर। नाउ दिस इज ग्लोब एंड इट इज इंडियाज पोजिशन। हियर इट इज शोन दैट इट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिंग फ्रॉम मिड ऑफ इंडिया। ये आप देख रहे हैं, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये मिड से पास हो रहा है, और ये रीजन, इसके नीचे का रीजन ट्रॉपिकल है, ये बिल्कुल हॉट है, और इसके ऊपर है सब ट्रॉपिकल, फिर सबसे ऊपर पोलर हो जाता है। तो इंडिया फॉल्स इन ए रीजन ऑफ ट्रॉपिकल, हाफ जो साउथ का है वो तो ट्रॉपिकल है और जो नॉर्थ का है वो सब ट्रॉपिकल है, वहाँ सर्दी भी पड़ती है गर्मी भी पड़ती है। अब अफ्रीका को देख लीजिए, इसका मोस्ट ऑफ द रीजन ट्रॉपिकल है, बस थोड़ा थोड़ा वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से बाहर निकला है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से बाहर निकला है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा इसका सब ट्रॉपिकल में आता है, सर्दी गर्मी पड़ सकती है, जैसे जोहान्सबर्ग हो गया थोड़ा ठंडा एरिया है, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द अफ्रीका इज हॉट। इंडिया में हाफ अपर है वो सब ट्रॉपिकल है, और जो नीचे का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है वो ट्रॉपिकल रीजन है। सो दिस इज द पोजिशन ऑफ इंडिया, आप इंडिया की पोजिशन देख लें तो इससे पता चल जाएगा कि यहाँ पर आधे पोर्शन में ये जो भी यहाँ दिखाया गया है मैप, तो ये आप देख लीजिए, यही लोकेशन होती है लेटिट्यूड के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, और ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर से ऊपर है हम, तो इस तरीके से दिस इज द लोकेशन ऑफ इंडिया। सो इंडियन क्लाइमेट इज ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल। सो इंडिया का कैसा क्लाइमेट है? सो इंडियन क्लाइमेट इज ट्रॉपिकल, दैट इज साउथ साइड में, साउथ ऑफ इंडिया एंड सब ट्रॉपिकल, दैट इज नॉर्थ ऑफ इंडिया तो जो ट्रॉपिकल रीजन है वहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज वहां प्रेसिपिटेशन बहुत ज्यादा है। जब जितना ज्यादा प्रेसिपिटेशन कहीं पर होगा, सो दैट रीजन, अब वहां कंडेंसेशन भी ज्यादा होगा, वेपराइजेशन ज्यादा होगा, हॉट बहुत होता है, तो ट्रॉपिकल रीजन बारिश बहुत होती है। नाउ इट इज मोर ओवर अवर काइंड ऑफ रेन इज ऑफ मानसून पैटर्न, सो इसलिए उसका इतना इफेक्ट नहीं है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल का, हम लोग मानसून से ही बहुत सारी बारिश पा जाते हैं जो कि साल के 3 महीनों में होती है। नाउ इट इज वाई इट इज सो कि हमारे यहाँ ऐसा रीजन है, इट इज बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ हिमालयाज, दैट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंसेस कंपेरेटिवली माइल्डर विंटर एज कंपेयर टू सेंट्रल एशिया। अगर हिमालय नहीं होता तो जो हमारे यहाँ का ऊपर का पोर्शन है वो सिमिलर टू चाइना है, जहाँ इतनी सर्दी पड़ती है कि अक्सर बर्फबारी होती है सिमिलर लेटिट्यूड में, लेकिन हिमालय हमको जो साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं
बाधाएं हैं उनसे बचा लेता है, इट एक्ट्स एज ए वॉल फॉर अस, तो इसलिए हम बचे रह जाते हैं शीत लहर से। सो ये रीजन बताया गया है कि क्यों हमको यहाँ पर इतना विंटर, एक्सट्रीम विंटर नहीं है। सो इट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हिमालयाज, इट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हिमालयाज दैट इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया को भी एक सब कॉन्टिनेंट कहा गया है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंस हम एक पेनेंसुला है जो थ्री साइड में सी से घिरा होता है, उसको पेनेंसुलर रीजन कहते हैं। सो सब कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली माइल्डर विंटर, तो यहाँ कम सर्दी पड़ती है, सो कंपैरेटिवली माइल्डर विंटर। देन द अदर पार्ट्स ऑफ एशिया, एशिया के दूसरे पार्ट्स में सेम लेटिट्यूड में बहुत सर्दी है, माइल्डर विंटर एस कंपेयर्ड टू सेंट्रल एशिया सो सेंट्रल एशिया से हमें कम ठंड लगती है बिकॉज ऑफ हिमालयाज। द क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशन इन इंडिया आर गवर्न्ड बाई एटमोस्फेरिक कंडीशन, कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे यहाँ का वेदर कंडीशन डिटरमाइन कर रही है, प्रेशर एंड सरफेस विंग विंड्स, जो सरफेस पर चलने वाली हवाएं हैं वो हमारे यहाँ का वेदर डिटरमाइन करती हैं। अपर एयर सर्कुलेशन बहुत हाई पर अगर आप चले जाओ ट्रोपोस्फियर से वो ऊपर स्ट्रेटोस्फियर चले जाओ तो वहाँ पर जो अपर एयर विंड सर्कुलेशन उससे भी हमें फर्क पड़ता है हमारे क्लाइमेट को। एंड वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, कई तरीके के साइक्लोन है ये, अगर इंडिया है तो इंडिया में कई तरीके के साइक्लोन भी हैं। सो सम वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस यहाँ से जो आते हैं, क्योंकि यहाँ अरब सागर है तो इसको कहेंगे कि वेस्टर्न साइक्लोन, साइक्लोन। और इसके अलावा हमारा कुछ ट्रॉपिकल साइक्लोन भी हैं, क्योंकि ये तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, तो इसके बाद यहाँ पर इसके नीचे जो उड़ीसा में आता है वो नीचे ट्रॉपिक रीजन हो गया, उसको कहेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन, क्योंकि कई बार ये लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, इतनी हीट है कि हवा सारी ऊपर चली गई, लो प्रेशर जोन बन गया। और यहाँ पर भी आसपास वैसा ही रीजन है, अरब सागर में बहुत डेंसिटी है एयर की, तो यहाँ थोड़ा सा भी अगर हीट हुआ तो यहाँ साइक्लोन आ जाता है। तो इस तरीके से द क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशन इज गवर्न्ड बाई, यहाँ पर क्या होता है कि अवर क्लाइमेट इज ऑल्सो गवर्न्ड बाई, कई बार आप देखते हैं गुजरात में साइक्लोन आ गया, बहुत बारिश हो रही है, गवर्न्ड बाई किस वजह से, सरफेस विंड, अपर एयर सर्कुलेशन, सरफेस विंड भी हो सकती है और ऊपर वाली एयर, बाई सरफेस विंड, जैसे लैंड ब्रीज चलती है इसी तरीके से सी ब्रीज, सब सरफेस विंड्स हैं। और अपर एयर, क्योंकि अपर एयर की डेंसिटी कम है और लोअर एयर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, कई बार नीचे की हवा ऊपर उठती है गर्म होके और ऊपर की ठंडी हवा नीचे आती है, क्योंकि ऊपर की ऊपर कोल्डर एयर है, तो जहाँ पर अगर ऊपर कोल्डर एयर है तो कोल्डर एयर की डेंसिटी ज़्यादा होगी, और नीचे हॉट है तो उसकी कम होगी, तो वो ऊपर से नीचे उतरेगी, नीचे वाली गर्म हवा ऊपर जाएगी, तो इस तरीके से एक सर्कुलेशन बनता है। और हिमालयन रीजन में नीचे ठंडी हवा है तो उसके कंपेरिजन में जो आसपास की एयर है वहाँ सरफेस एयर सर्कुलेशन होगा, तो ये चीज़ होती है। सो अपर एयर सर्कुलेशन, ऊपर से नीचे की ओर हवा आती है, क्योंकि लैंड की हवा होती क्या है कि सन रेस के पड़ने की वजह से जब लैंड की हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी तो ऊपर की ये वार्म एयर है, क्योंकि लैंड तो गर्म हो जाएगी,
वार्म एयर ऊपर उठेगी, फिर ऊपर की जो एयर है वो नीचे आएगी, क्योंकि ये कोल्ड एयर है, कोल्ड एयर डेंसर होती है। सो इसके नीचे आने से और इसके ऊपर जाने से एक तरीके का सर्कुलेटरी पैटर्न बनता है। तो ये कहते हैं फिर हवा तो ऐसे चलती रहेगी। सो अपर एयर सर्कुलेशन की वजह से भी हमारे यहाँ का विंड पैटर्न डिटरमाइन होता है। एंड वेस्टर्न एंड ट्रॉपिकल साइक्लोनिक डिस्टरबेंसेस, एंड वेस्टर्न एंड ट्रॉपिकल साइक्लोनिक डिस्टरबेंसेस। साइक्लोन का मतलब चक्रवात होता है, डिस्टर डेंसेस। सो इस तरीके से अवर क्लाइमेट इज गेटिंग गवर्न्ड। नाउ द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय मानसून विंड्स व्हिच आर अफेक्टेड बाय डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस एनकाउंटर्ड बाय इट ऑन इट्स वे ओवर द वार्म ट्रॉपिकल सीज। सो हमारे यहाँ का जो क्लाइमेट है ये मानसून से प्रभावित होता है, और ये मानसून ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, दिस इज द रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया जहाँ से ये मानसून आते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की ओर से आने वाले मानसून, क्योंकि यहाँ छोटा नागपुर का क्षेत्र है वो इतना हॉट हो जाता है 50 डिग्री, तो ये उसको फिल करने के लिए, लो प्रेशर जोन को फिल करने के लिए आते हैं। सो द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाई मानसून विंड्स ऑफ इंडिया इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाई मानसून विंड्स। मानसून विंड्स कौन होती हैं? मानसून विंड्स, नाउ दीज एंड मानसून क्लाउड्स आर वाटर लेडन, वो पानी से बिल्कुल भरपूर होते हैं। तो मानसून क्लाउड्स कैसे होंगे जो ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं? तो वो वाटर लेडन है, बीच में इतना परस्पिरेशन होता है जब आते आते यहाँ। ये तो ट्रॉपिकल रीजन से आ रहे हैं, क्योंकि इसके कहीं नीचे ये है इक्वेटर, तो यहाँ इक्वेटर के रीजन से आते आते इनमें इतना वेपराइजेशन होता है कि उसमें ऊपर कंडेंस हो करके बहुत पानी आ जाता है। सो मानसून क्लाउड्स आर वाटर लेडन, वाटर से लदे हुए होते हैं, लेडन। नाउ तो हमारे यहाँ उसी का इफेक्ट होता है। सो द मानसून क्लाउड्स कमिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया, दे पास थ्रू ट्रॉपिकल सीज एंड बिकम वाटर लेडन। मानसून क्लाउड्स सो मानसून क्लाउड्स कमिंग फ्रॉम अबव ऑफ नियर बाई ऑफ ऑस्ट्रेलियन सब कॉन्टिनेंट, नियर बाई रीजन, क्योंकि वहां पर ठंड बहुत पड़ती है तो वहां की एयर डेंसिटी ज्यादा है, और यहाँ एयर डेंसिटी कम हो गई तो उसको फिल करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि वो ट्रॉपिकल के सब ट्रॉपिकल रीजन है और उससे भी नीचे है। सो कमिंग फ्रॉम नियर बाई रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलियन सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट पासस थ्रू ट्रॉपिकल, पासस ओवर सी ऑफ ट्रॉपिकल रीजन, वो कहाँ से पास कर रहे हैं? दे पासस ओवर ट्रॉपिकल ओशन। सो ट्रॉपिकल ओशन से वो पास कर रहे हैं, एंड दे एंटर इन इंडिया फ्रॉम दिस डायरेक्शन। तो ये कौन सी डायरेक्शन है? तो जरा इसको देख लें, ये हुई साउथ, ये हुई वेस्ट। सो यहां से वो इंटर कर रहे हैं, तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई? सो दिस इज साउथ वेस्ट। दीज मानसून आर कॉल्ड साउथ वेस्ट मानसून,
इसको कहते हैं पश्चिमी पवने या पछुआ पवने। तो कई गीत भी बने हैं कि पछुआ पवने आ जा और साजन का संदेश ला जा। तो इस तरीके से इन्हीं पछुआ यानी पश्चिमी पवने हैं जो इधर से आती हैं और मानसून लाती हैं। सो दीज मानसून्स एंटर टू इंडिया फ्रॉम केरला। सो ये केरला से इंटर करते हैं एंड कॉल्ड, देखो ये साउथ हुआ ये वेस्ट हुआ तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन हुई, कॉल्ड साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून। तो पछुआ पवने आती हैं यानी बसंत से पहले, जब ये बारिश होती है उससे पहले की पवने, तो उनको पछुआ या पश्चिमी पवने भी कहते हैं, पछुआ या पश्चिमी पवने। सो गांव के नाम के हिसाब से पछुआ कहलाएगा, अदरवाइज पश्चिमी पवने। सो दे एंटर इन इंडिया फर्स्ट इन के थ्रू केरला, केरला से वो इंटर कर जाती हैं। नाउ द ड्यूरेशन ऑफ माउंटेन इज बिटवीन 100 to 120 डेज फ्रॉम अर्ली जून टू मिड सितंबर। अब ये मानसून अगर आया केरला से तो ये जून में 1 जून तक या 2 जून तक आ जाता है, इसके बाद आता है तो बोला जाता है मानसून लेट है। सो उसी के हिसाब से लोग अपने खेत में बीज डाल के बैठे रहते हैं कि अब मानसून आएगा। सो द ड्यूरेशन ऑफ मानसून इज फ्रॉम अर्ली जून टू मिड सेप्टेम्बर, फ्रॉम अर्ली जून तक आता है टू मिड सेप्टेम्बर। मिड सेप्टेम्बर तक ये सबसे ऊपर जाकर पहुंच पाता है, तो मिड सेप्टेम्बर तक ये रहता है एंड इट इज 100 to 120 डेज ड्यूरेशन, फ्रॉम 100 to 120 डेज ड्यूरेशन इसका पीरियड रहता है। मानसून अराइव्स ये सबसे पहले कहाँ आता है, एट सदर्न टिप ऑफ इंडियन पेनेंसुला, जनरली बाय 1st week of June। सदर्न टिप कौन सी, ये इंडियन पेनेंसुला में जो साउथ है उसकी ये टिप है, यही केरला है। सो यहीं पर आएगा। सो मानसून अराइव्स एट सदर्न टिप ऑफ इंडियन पेनेंसुला, भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी हिस्से में मानसून आता है। मानसून अराइव्स एट सदर्न टिप ऑफ इंडियन पेनिनसुला। पेनिनसुला इज दैट रीजन विच इज सराउंडेड फ्रॉम 3 साइड बाई सी। तो इंडिया के 3 साइड में सी है, एक इस साइड में सी, इस साइड में सी और नीचे सी। सो ये इंडियन पेनिनसुला कहलाएगा। इट अराइव्स एट सदर्न टिप ऑफ इंडिया ऑफ इंडियन पेनिनसुला जनरली बाई 1st week of June। जनरली बाई 1st week of June। सो 1st week of June में आ जाता है। दिल्ली जनरली रिसीव्स द मानसून शावर बाई एंड ऑफ जून, और वहां से ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो मानसून का मैप है, मान लीजिए 1st week है, फिर इसके बाद धीरे धीरे ऐसे बढ़ेगा, तो 1st June, फिर और चले तो 6th June, फिर और चले तो इसके बाद और 6 6 डेज का गैप करते जाओ तो दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते, तो जब ये मानसून यहाँ बढ़ेगा तो 30th June तक दिल्ली में बारिश होगी। पहली बारिश अगर आप देखें तो दिल्ली के रीजन में 30th June तक होगी, उसको मानसून मैप कहेंगे। सो बाई 1st week of June में ये केरला में पहुंच जाएगा और उसी टाइम पे बॉम्बे में भी बारिश हो जाती है। बाई 1st week of June
जून दिल्ली जनरली रिसीव्स द मॉनसून टिप. सो रिसीव्स फर्स्ट मॉनसून. नाउ मॉनसून एंटर्स फ्रॉम समवेयर दिस रीजन, इट इज शोन हियर एंड मीन्स इट इज सदर्न टिप. सदर्न टिप रिसीव्स, दैट इज केरला रिसीव्स फर्स्ट मॉनसून इन इंडिया. सो मानसून सबसे पहले दस्तक देता है केरला में सदर्न टिप पर, और ये फर्स्ट जून का मैप है. इतने पोर्शन में फर्स्ट जून में बारिश हो जाती है, तो ये फर्स्ट जून में यहाँ तक बारिश हो चुकी होती है. और ये आगे का अगर मैप देखें तो यहाँ तक ही है, फर्स्ट जून को यहाँ भी बारिश हो जाएगी. ये पूरा लाइन आ रही है फर्स्ट जून की है. सो फर्स्ट जून को सदर्न टिप में भी हो जाएगी, और अगर हम यहाँ देखें तो कुछ एरिया जैसे मिजोरम त्रिपुरा यहाँ भी फर्स्ट जून को बारिश हो जाएगी. मणिपुर के भी कुछ रीजन और मेघालय में भी कुछ रीजन पर बारिश हो जाएगी. तो सदर्न टिप में सबसे पहले मानसून आया, ये इसमें दिखाया गया है. नाउ आफ्टर दैट इट मूव्स अहेड, धीरे धीरे ये बढ़ रहा है. तो फिर फिफ्थ जून तक अब ये कर्नाटक आंध्र प्रदेश तेलंगाना कुछ एरिया तक आगे बढ़ता है, और यहाँ पर भी ये बारिश कर देता है. नाउ फिफ्थ जून का मैप देखिए तो ये आगे बढ़ता है, और फिफ्थ जून का मैप इतने एरिया में ये बारिश हो जाती है फिफ्थ जून तक. और ऊपर चलकर देखें तो इट इज नाउ फिफ्थ जून तक ये पूरे मेघालय में बारिश हो जाएगी. नाउ वी कैन सी दैट ये फिफ्थ जून की लाइन है. सो असम मेघालय अरुणाचल प्रदेश ये सारा एरिया इवन भूटान में भी फिफ्थ जून तक बारिश हो जाएगी. तो जो बचा हुआ एरिया यानी ये पूरा जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है फिफ्थ जून तक बारिश रिसीव कर लेता है. आफ्टर दैट फिफ्थ जून के बाद क्या होता है, टेंथ जून में ये महाराष्ट्र का लगभग, ये महाराष्ट्र यहाँ तक है, पूरे महाराष्ट्र में बारिश हो जाती है टेंथ जून तक, और फिर उड़ीसा में हो जाती है. तो टेंथ जून का मैप है, और फिर उसके आगे अगर ऊपर जाएं तो अब बिहार का भी कुछ पार्ट टेंथ जून तक बारिश रिसीव कर लेता है. और आगे बढ़ें सो इट इज़ 15th जून. सो 15th जून में गुजरात का कुछ पार्ट, फिर मध्य प्रदेश में बारिश होती है. तो 10th से 15 जून आप देखें मध्य प्रदेश कवर हो रहा है, और यहाँ तक कुछ राजस्थान का भी सदर्न पार्ट कवर हो रहा है, एंड यूपी का भी जो ईस्टर्न पार्ट है वो कवर हो रहा है. तो यहाँ पर बारिश हो जाएगी. नाउ आफ्टर 15th जून नेक्स्ट इज 1st जुलाई. तो 1st जुलाई तक, उसके बाद ये 15th जून से 1st जुलाई के बीच में यहाँ पर यूपी में, फिर इस साइड में यहाँ दिल्ली पड़ता है तो दिल्ली में हो जाएगी. तो वो बताया गया है कि जून के लास्ट तक, या जुलाई के फर्स्ट तक, इसी के बीच में दिल्ली में हरियाणा में, तो जून के लास्ट या 1st जुलाई तक उत्तराखंड, ये पूरी बेल्ट उसी की है, 15th जून से 1st जुलाई तो ये बारिश हो जाएगी. इसके अलावा पंजाब में भी हो जाएगी, और उत्तराखंड में हो जाएगी, और हिमाचल प्रदेश में भी हो जाएगी. सो दीज ऑल पार्ट रिसीव, मोस्ट ऑफ द पार्ट रिसीव द मानसून यहाँ पर 1st जुलाई. लेकिन राजस्थान में थोड़ा लेट पहुँचता है, तो राजस्थान में ये 1st जुलाई से 15th जुलाई में अब राजस्थान को ये कवर कर रहा है. और फिर जो वेस्टर्न पार्ट है राजस्थान का, वहाँ तो 15 जुलाई से भी आगे और लगेगा. तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि दिस इज द मैप ऑफ इनकमिंग मानसून. जो मानसून हमारे यहाँ आ रहा है उस मानसून का ये, इनकमिंग मानसून का ये पूरा मैप 1st जून से 15 जुलाई तक का दिखाया गया है. सो ये मानसून मैप आपकी बुक में भी बना हुआ है. Now we have seen onset dates of monsoon, like it is 1st June, 5th June, 10th June. ऐसे हमने देख ली, फिर 15th June, फिर 1st July and 15th July. तो एक डेट होती है
कि ऑन सेट कि भारत में मानसून आ रहा है, लेकिन दूसरी डेट क्या होती है, दैट इज नॉर्मल डेट ऑफ विड्रॉल। अब लौटेगा क्योंकि वो हिमालय से अब टकराएगा, सो आफ्टर कोलाइडिंग विद हिमालय इट रिट्रीट्स बैक, अब ये वापस चला जाएगा। तो इसके विड्रॉल की डेट क्या है, मानसून वापस कब जाएगा, तो ये यहाँ पर अब हम मैप उसका देखते हैं। सो जब ये यहाँ पर हिट करेगा कुछ यहाँ अरावली रीजन से यहाँ पर भी, तो ये 1 सितंबर को लौट गया, तो 15 जुलाई फिर और आगे भी जाएगा, यहाँ भी कुछ इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रीजन में भी कुछ यहाँ पर हिंदू कुश की पहाड़ियाँ हैं उनसे टकराएगा, फिर जब लौटेगा तो इंडिया में लौटेगा और आगे जाएगा, अभी अगस्त भर आगे पूरा जाएगा, जो हमें याद नहीं करना है क्योंकि वो पाकिस्तान में जा रहा है, लेकिन जब इंडिया में लौटेगा तो 1 सितंबर को आ जाएगा। तो ये 1.5 महीने इधर घूमेगा, पाकिस्तान अफगानिस्तान हिंदू कुश की पहाड़ियों से टकरा कर 1 सितंबर को लौटेगा। फिर जब ये लौटेगा तो 15 सितंबर में अब आते समय दिल्ली में भी बारिश करेगा, तो 15 सितंबर तक रेनी डे रहेगा, रेनी सीजन। और जब ये और आगे बढ़ेगा तो 1 अक्टूबर यहाँ आ जाएगा। तो ये हम देख रहे हैं गुजरात थोड़ा एमपी का है, थोड़ा मध्य प्रदेश का है, ऐसे कुछ कुछ जगहों पर ये जो आ रहा है ये ग्रीन वाला है, 1 अक्टूबर को ये लौटता हुआ मानसून, देखो 15 सितंबर, फिर 1 अक्टूबर, फिर और लौटा, तो यहाँ देखा देखा हमने 15 अक्टूबर तक ये महाराष्ट्र को भी इसने छोड़ दिया, अब महाराष्ट्र में बारिश खत्म हो गई, 15 को इसने छोड़ दिया महाराष्ट्र को, और फिर उसके बाद लौटते लौटते यहाँ तक ये लौटते लौटते अक्टूबर से नवंबर, तो नवंबर दिसंबर, नवंबर के महीने में दिसंबर में यहाँ फिर लौटता मानसून भी बारिश करता है। तो एक ऑनसेट मानसून देखा हमने जो 1 जून से 15 जुलाई तक था, और लौटता हुआ मानसून देखा उसकी डेट क्या थी, सो इट वॉज फ्रॉम 1 सितंबर टू, ये कहा जा सकता है कि 15 अक्टूबर, और नीचे का तो दिखाया नहीं गया है, अदरवाइज 30 अक्टूबर भी होता। तो दिस इज द टोटल मैप ऑफ मानसून, ऑनसेट ऑफ मानसून और साथ में विड्रॉल ऑफ मानसून। नाउ टोटल ड्यूरेशन ऑफ मानसून क्या है, हमने देखा 1 जून से 15 अक्टूबर तक है, तो वैसे तो ये 135 डेज पड़ते हैं, लेकिन हम एवरेज लेकर चल रहे हैं 100 से 120 डेज, क्यों, क्योंकि इसने 15 जुलाई को इंडिया छोड़ दिया था और फिर वो पाकिस्तान चला गया था, फिर वापस आया ये हमारे पास 1 सितंबर, तो 1 सितंबर से 30 अक्टूबर उधर ले लीजिए 2 महीने, और इधर जून और जुलाई ले लीजिए, तो 2 महीने इधर के 2 महीने उधर के, तो 100 से 120 डेज है। सो इसका जो डेट है ऑन सेट ऑफ मानसून क्या है, ऑन सेट ऑफ मानसून ये 1 जून टू 15 जुलाई है, एंड ऑफ सेट ऑफ मानसून दैट इज विड्रॉल ऑफ मानसून। सो विथड्रॉल का मतलब लौटता हुआ मानसून, उसमें भी बारिश होती है, सो विथड्रॉल या फिर ऑफसेट जाता हुआ मानसून, तो वो हमने देखा जब लौटा इंडिया में तो वो 1 सितंबर से 15 अक्टूबर, और आगे भी ले सकते हैं क्योंकि आगे का मैप उसमें बना नहीं है, लेकिन और आगे लेंगे तो इधर भी ये कितना हो गया जून जुलाई, तो ये टोटल 30 डेज और 45, और यहाँ पर 1 सितंबर से 15 अक्टूबर, तो आप 30 अक्टूबर ले लो, क्योंकि अगर केरला को पूरा छोड़ेगा तो 30 अक्टूबर, तो 45 डेज ये और 60 डेज ये 1 सितंबर से 30 अक्टूबर, तो टोटल कितने डेज हो गए, सो नाउ इट इज टोटल 100 से ऊपर ही हो गए, 105 डेज, 60 और प्लस 45, तो इसी के बीच में ये रहता है, कोई बिल्कुल फिक्स डेट नहीं है। सो नाउ डेली रिसीव्स मानसून, जैसा हमने कह दिया था मानसून, तो ये हमने बीच में लिख दिया, कोई बात नहीं, डेली रिसीव मानसून बाई एंड ऑफ जून, बाई एंड ऑफ जून। सो बाई द 1st वीक ऑफ जुलाई वेस्टर्न उत्तर प्रदेश पंजाब हरियाणा ईस्टर्न राजस्थान एक्सपीरियंसेस द मानसून। सो बाई 1st ऑफ जुलाई, 1st वीक ऑफ जुलाई, 1st वीक
ऑफ जुलाई, फिर दिल्ली से और आगे बढ़ेगा वो, जैसा मानसून का मैप है। इसके बाद क्या होगा, आगे बढ़ते बढ़ते फर्स्ट, देखिए 30 जून से फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई की बात की गई है, तो अब राजस्थान में भी पहुंच गया है। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, जैसे सहारनपुर मेरठ, तो उसको कहते हैं वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, दिल्ली के आगे पहुंच गया। हरियाणा, राजस्थान और पंजाब वहां चला जाएगा, हरियाणा, राजस्थान एंड पंजाब। एक्सपीरियंस मानसून, ये दिल्ली से आगे का मैप है मानसून। नाउ बाय मिड जुलाई द मॉनसून रीचेज हिमाचल प्रदेश एंड रेस्ट ऑफ द कंट्री। 15 जुलाई तक पूरा चला गया, बाय मिड जुलाई, ये लास्ट लाइन है, मिड जुलाई यानी 15 जुलाई, मॉनसून रीचेस, अब ये कहाँ पहुंच जाएगा, हिमाचल प्रदेश एंड रेस्ट ऑफ कंट्री। एंड रेस्ट ऑफ कंट्री, तो इस तरीके से ऑन सेट ऑफ मानसून का हमने पूरा डेट बता दिया। विड्रॉल और रिट्रीट ऑफ मानसून इज ए मोर ग्रेजुअल प्रोसेस। जाता हुआ मानसून तेजी से वर्षा करता है, लेकिन आते समय तो उसको कोई लो प्रेशर जोन को भरना नहीं रहता है, उसको तो हिमालय से टकरा गया, अभी लौट रहा है, तो वो धीरे धीरे जा रहा है। वो ग्रेजुअल प्रोसेस, आने वाला मानसून फास्ट है लेकिन जाने में धीरे धीरे जाता है। विथड्रॉल, वो पर्वतों से टकरा के चला गया, विथड्रॉल ऑफ मानसून इज ए मोर ग्रेजुअल प्रोसेस, ये धीमा प्रोसेस है। मोर ग्रेजुअल प्रोसेस, इट बिगन्स इन नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया बाई अर्ली सेप्टेम्बर। इट बिगन्स इन, देखो ये इंडिया है, तो इंडिया में ये यहाँ का जो स्टेट है ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया वेस्ट। इस तरीके से ये जो पोर्शन है ये नॉर्थ वेस्टर्न है, तो यहीं से तो अब लौट रहा है मानसून, तो यहीं से अब लौटेगा। इट बिगन्स विद, कौन सा ये है, नॉर्थ वेस्ट है ना, नॉर्थ वेस्ट। इट बिगन्स विद नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट, क्योंकि हिंदू कुश पहाड़ी जो अफगानिस्तान है वहां से टकरा के लौटा है। इट बिगन्स इन नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट, वहां तो राजस्थानी पड़ता है, ऑफ इंडिया बाय अर्ली सितंबर। तो ये जो लाइन है, ये जो मैप है इंडिया में, अब जाएगा ये 1 सितंबर का है, 1 सितंबर में आ जाएगा, बाय अर्ली सितंबर ये लौटने लगा। बाय मिड अक्टूबर इट विड्रॉज कंप्लीटली फ्रॉम नॉर्दर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला। मिड अक्टूबर तक ये यहां से पूरी तरीके से नॉर्दर्न पार्ट में से तो पूरी तरीके से चला ही जाता है, यानी यहाँ की जो लाइन है हम कह सकते हैं 15 अक्टूबर की लाइन है, अभी देखी थी हम लोगों ने 15 अक्टूबर। बाय मिड अक्टूबर इट विड्रॉज कंप्लीटली फ्रॉम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला, भारतीय प्रायद्वीप के उत्तरी सिरे से ये पूरी तरीके से जा चुका होता है। मिड ऑफ अक्टूबर,
इट विड्रॉज कंप्लीटली, From northern half of peninsula, now withdrawal from southern half of the peninsula is rapid. यहां से फिर बड़ी तेजी से भागता है. So with Drawal from southern half of peninsula is rapid. By early December, the monsoon has withdrawn from rest of the country. ये जो आखिरी लाइन होगी वो 1 दिसंबर की है. आप देखोगे कि 1 दिसंबर में अक्सर चेन्नई में और आसपास तूफान आता है, बहुत बारिश होती है, कई पेड़ गिर जाते हैं, हर साल यही है. सो बाई अर्ली दिसंबर द मानसून हैज विथड्रॉन, द मानसून is withdrawn from rest of the country. फिर वो इंडिया को छोड़ देता है, rest of the country. तो बीच के कुछ पोर्शन में ये चला गया अफगानिस्तान पाकिस्तान, उस पीरियड को हम नहीं काउंट करें, फिर आते समय फिर रहेगा. तो टोटल 100 से 120 डेज ये इंडिया में रहा. और उसी में सारे फेस्टिवल होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ फसलों के ऊपर सारे फेस्टिवल हैं. तो फसलें खुशियाँ लाती हैं, जब बारिश होगी तो ही फसल होगी. सो इसलिए ऑल फेस्टिवल लाई इन दिस पीरियड ओनली. फेस्टिवल हमारे यहाँ के जून से शुरू होते हैं और उसके बाद अगस्त तक मोस्टली जो आने वाले मानसून में ज़्यादा तेज फेस्टिवल हैं और जाते हुए में भी फेस्टिवल हैं. नाउ फोर सीजन कैन बी आइडेंटिफाइड इन इंडिया. अब अगर मानसून है तो अवर सीजन्स आर मानसून बेस्ड. सो फोर सीजन्स कैन बी आइडेंटिफाइड इन इंडिया. कौन कौन से सीजन्स हैं? दैट इज द कोल्ड वेदर सीजन, द विंटर सीजन, कोल्ड वेदर सीजन. वेदर ही, वेदर को भी मौसम ही कह सकते हैं, लेकिन मौसम हमारे यहाँ का बदलता रहता है, वो तो डेली भी बदलता रहता है. तो एवर चेंजिंग थिंग इज वेदर. हाउ एवर देन ऑल्सो वी कैन सेग्रीगेट इन टू इट फोर पार्ट्स. तो इट इज विंटर सीजन. बिगिंस फ्रॉम मिड नवंबर इन नॉर्दर्न इंडिया एंड स्टेट टिल फरवरी. बिगिंस फ्रॉम मिड नवंबर, दीपावली के आसपास ये शुरू हो जाता है. और ये कब तक रहेगा? स्टेज टिल फरवरी. दिल्ली में तो फरवरी में भी सर्दी पड़ती है. एंड स्टेज टिल फरवरी. तो ये हमारे यहाँ का विंटर सीजन है. दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. दिसंबर एंड, और उसमें भी उसका मिड पार्ट जो कि दिसंबर एंड जनवरी है वो कोल्डेस्ट है. जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ इन नॉर्दर्न इंडिया. तो उस समय शीत लहर चलती है और बहुत सारे लोग उसकी वजह से मारे जाते हैं. नाउ
डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड, ड्यूरिंग दिस पीरियड क्या होता है? ऐसे तो डेज में भी कई दिन सूरज नहीं निकलता, दिन भी ठंडे ही रहते हैं, बट नाइट पर्टिकुलरली ज्यादा कोल्ड होती है. डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड. अगर हिमालयाज ना होता तो इसी दौरान चाइना में तो बहुत लोग मारे जाते हैं, क्योंकि वहाँ निगेटिव में टेम्परेचर चल जाता है -20 डिग्री. लेकिन हमको हिमालयाज जो साइबेरियन की ठंडी हवाएं उनसे बचा लेता है, तो हम कंपेरेटिवली सेफ हैं. एंड नाइट्स आर कोल्ड, सो ये विंटर सीजन. सेकेंड इज द हॉट वेदर सीजन, दैट इज कॉल्ड समर. द हॉट वेदर सीजन, तो समर का पीरियड कब पड़ता है इंडिया में? ना, इट बिगिंस फ्रॉम मार्च एंड स्टेज टिल मे. इट बिगिंस फ्रॉम मार्च एंड स्टेज टिल, जब तक मानसून नहीं आ जाता तब तक तो ये रहता ही है टिल मे. फिर क्लाउड्स दिखने लगते हैं, क्लाउड्स दिखने लगेंगे, बारिश नहीं आएगी बट क्लाउड्स दिखने लगेंगे, क्योंकि जो मानसून आने वाला है उसके आने से पहले उसके हार्बिंगर्स, उसके संदेश वाहक आते हैं, छोटे छोटे क्लाउड्स, तो सब तरफ इंडिया में क्लाउड्स क्लाउड्स दिखने लगते हैं. सो टिल मे तक तो ये रहता ही है. इन मे टेम्परेचर ऑफ 45 डिग्री सेल्सियस इज कॉमन इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री. इन मे 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज कॉमन इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कंट्री. वहां लू भी चलती है, ड्राई एयर, जो ड्राई विंड कहते हैं उसको लू कहते हैं, जिससे भी लोग मरते हैं. नाउ सो समर के दिन खतरनाक है, सर्दियों की रातें. नाउ अ स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दिस सीजन इज लू विच आर स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड्स ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे ओवर द नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया. सो इस समय का सबसे मुश्किल वक्त क्या होता है? अ स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दिस सीजन इज लू. सीजन इज लू. लू क्या होती है? विच इज अ स्ट्रॉन्ग गस्टी विंड, क्योंकि लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है गर्मी की वजह से और चारों तरफ से हवाएं उसको भरने के लिए आती हैं, बट वो भी ड्राई ही रहती हैं, तो ये गस्टी विंड्स होती हैं, तेज हवाएं, हॉट भी रहेंगी. सो गस्टी विंड हॉट एंड ड्राई इन नेचर, और वो हमारी बॉडी से लगती है तो हमारी बॉडी का भी मॉइस्चर अंदर का ले लेती हैं, तो हमारे अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है और कई लोगों की मौत भी हो जाती है. सो एंड ड्राई इन नेचर, क्योंकि तेज हवा आएगी तो उससे इवेपोरेशन तेज होगा, तो हमारी बॉडी का तेज हवा होगी, ड्राई हवा होगी, गस्टी हवा होगी, तो उन सबसे क्या होता है, इवेपोरेशन फास्टर होता है, तो हमारी बॉडी का मॉइस्चर और पानी उड़ जाता है, तो डिहाइड्रेशन हो जाता है. सो ये ओवर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्ट यानी राजस्थान, नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्ट, जैसे हमने ऊपर आपको बताया ना नॉर्थ और ये वेस्ट, तो नॉर्दर्न वेस्ट ये राजस्थान हुआ एंड नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया.
सो इस तरीके से ये हमारे यहाँ का एक नेक्स्ट सीजन हुआ जो कि समर हुआ। थर्ड है एडवांसिंग मानसून एंड नेक्स्ट इज रिट्रीटिंग मानसून, आने वाला मानसून और जाने वाला मानसून, ये अलग अलग सीजन है। सो एडवांसिंग मानसून, खैर इसको रेनी सीजन में एक साथ भी कुछ लोग काउंट कर लेते हैं। सो मानसून दैट इज रेनी सीजन। एडवांसिंग मानसून बिगेंस फ्रॉम अर्ली जून, मई के बाद, फिर जून तक आते आते, मई तक तो ये चलता ही है टिल मई, फिर अर्ली जून, मई के बाद तो जून ही आता है। सो एडवांसिंग मानसून स्टार्ट्स बिगिंस फ्रॉम अर्ली जून। जून द मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ द सीजन इज रिसीव्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री, तो सबसे ज्यादा बारिश होती है नॉर्थ पार्ट में। नाउ मौसिन राम सबसे ज्यादा बारिश, जो नॉर्थ वेस्ट का पार्ट है वो सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है। एडवांसिंग मानसून बिगेंस फ्रॉम अर्ली जून द मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ द सीजन इज रिसीव्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री, ऑफ द सीजन। क्यों ऐसा क्यों होता है कि सबसे ज्यादा बारिश यही लेता है? क्योंकि यहां भी पहाड़ और यहां भी पहाड़ और यहां भी पहाड़, तो अगर यहां जाते हैं जितने तो वो पानी गिरा के ही आते हैं। तो ये जो पार्ट है, तीन तीन तरफ तो माउंटेन्स हैं, तो यहां जो जाएगा अब इसको लौटने का कोई साधन नहीं, लौटते लौटते भी इतने पहाड़ हैं कि वो घिर जाएगा पहाड़ों से, वहीं सारा पानी गिरा देगा। सो इसलिए मैक्सिमम बारिश यहीं पर होती है, दैट इज मौसम राम। सो द मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ द सीजन, वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, जरा चेक कर रहे हैं नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो पार्ट पड़ता है वो कौन सा कहलाएगा? नॉर्थ ईस्ट, तो ये नॉर्थ ईस्ट हुआ। सो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है। सो द मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ द सीजन इज रिसीव्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री, नाउ नाउ द मौसिन राम इन मेघालय रिसीव्स द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेनफॉल वहीं होती है, 200 सेंटीमीटर की बारिश होती है। सो दैट इज मौसिन राम। इन मेघालय, सो रिसीव्स हाईएस्ट रेनफॉल, एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड। नाउ हियर वी आर सीइंग द लोकेशन ऑफ मौसिन राम। सो मौसिन राम अगर आप इंडिया में देखें, सो इट इज इन मेघालय। सो यहां से यहां तक हर तरफ, तो इधर पूरा माउंटेन्स है, तो जो भी बारिश होगी सारी यहीं बरस जाती है। तो मौसिन राम एक ऐसा लोकेशन है जिसके सब तरफ पहाड़ है, बस एक ही तरफ से माउंट क्लाउड्स एंटर करते हैं और सारी बारिश वहीं कर देते हैं। सो हाईएस्ट रेनफॉल वर्ल्ड की यहीं पर रिसीव की जाती है, दैट इज द लोकेशन ऑफ मौसिन राम इन इंडिया। ये मैप में पूछा जा सकता है। नाउ
Rainfall in Ganges Valley decreases from east to west. Rajasthan and part of Gujarat get scanty rainfall. So जैसे जैसे हम अब ईस्ट से वेस्ट आएंगे तो वैसे वैसे रेनफॉल कम होगा और राजस्थान और गुजरात में ये बिल्कुल कम हो जाएगा. सो राजस्थान एंड गुजरात दे रिसीव द स्कैंटी रेनफॉल. स्कैंटी स्कैंटी का मतलब लीस्ट रेनफॉल. सबसे ज्यादा रेन सबसे कम रेनफॉल यही होती है. रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अलोंग गेंजेस लाइन. यानी गंगा के साथ साथ चलते जाइए तो ये रेनफॉल घटती जाती है. सो रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट. ईस्ट में तो सबसे ज्यादा है और ईस्ट से जैसे जैसे आप वेस्ट आएंगे राजस्थान गुजरात तो यहाँ सबसे कम रेनफॉल यहाँ 10 सेंटीमीटर ही है जबकि वहाँ 200 सेंटीमीटर है. लेट अस सी द रेनफॉल मैप ऑफ इंडिया. नाउ दिस इज रेनफॉल मैप ऑफ इंडिया. नाउ देर आर सर्टेन कलर्स. अंडर 20 जहाँ बारिश होगी वो येलो दिखाया गया है 20 टू 40 सेंटीमीटर. थोड़ी ज़्यादा बारिश थोड़ा ग्रीन 40 टू 50 थोड़ा और ग्रीन. फिर जैसे जैसे ग्रीनर होता जाए तो और ज़्यादा है. फिर एक ये है कि ओवर 250 तो ओवर 250 में डार्क ग्रीन है. लेकिन एक इसमें ऐसा भी कलर आया है जो 150 टू 250 है. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अंडर 20 कहाँ है इंडिया में. सो दिस इज अंडर 20. सो अंडर 20 जो येलोइश पोर्शन है दिस इज अंडर 20. तो यहाँ अंडर 20 इस एरिया में 20 सेंटीमीटर से कम स्कैंटी रेनफॉल है. फिर कुछ ऐसे पोर्शन है उससे ज़्यादा 20 टू 40 उससे डार्क ग्रीन है थोड़ा सा ज़्यादा 20 टू 40 सेंटीमीटर. फिर उसके ऊपर 42 और आगे चले जाएं तो दैट इज 40 टू 50 तो ये कलर आ गया. उसके आगे 40 टू 50 यानी ये पूरा स्कैंटी रेनफॉल ही है. फिर थोड़ा और अगर हम ग्रीन पे जाएंगे तो 50 टू 100 तो यहाँ पर ठीक ठाक बारिश हो जाती है. तो ये रीजन जो है 50 टू 100 के हैं. लेकिन 50 टू 100 से भी ऊपर है और डार्क ग्रीन. तो डार्क ग्रीन देखिए 50 टू 100 से 100 से 150 तो नदन साइड जो है नॉर्थ यूपी ये 100 से 150 का ये पूरा रीजन है. 100 से 150 यहाँ ज़्यादा बारिश भी होती है और ये रीजन भी इसी तरीके से है जहाँ जहाँ थोड़ा डार्क ग्रीन है. तो दैट इज 100 टू 150 तो ये 100 टू 150 में ये सारा पोर्शन है जहाँ ज़्यादा बारिश होती है. लेकिन कहीं कहीं तो बहुत डार्क है. अब मोसिनराम को ही देख लो. मोसिनराम का कलर बाकी पोर्शन से ज़्यादा डार्क है. तो मेघालय में मोसिनराम है तो ये 250 एंड अबव है. तो यहाँ मेघालय का कलर आप देख लीजिए इससे ज़्यादा डार्क है ये कलर. तो और ऐसे केरला में भी देख लीजिए. केरला भी जो रीजन है वो रीजन आप देख लो ये सबसे डार्क है केरला में आप देख लें. तो ये जो कलर है ये किससे मैच कर रहा है. ये केरला का कलर ये 250 वाले से मैच कर रहा है 250 एंड अबव. और कहीं कहीं हिमालयन रीजन में तो हमें पता ही नहीं चल पाता है कि कितनी बारिश होती है. सो डेटा इज नॉट अवेलेबल. सो अगर आप जाएंगे बहुत ऊपर तो वहाँ पर आपको डेटा अवेलेबल नहीं है क्या बारिश हो रही है. कोई मेजरमेंट नहीं सब जगह अलग अलग है तो इसलिए डेटा नहीं अवेलेबल है. सो यहाँ पर हमने अलग अलग कलर देखे. फिर कुछ पोर्शन इस तरीके के भी हैं ये. तो यहाँ ये यहाँ कम बारिश है. इन दोनों में फ़र्क है. आप कलर मिला लीजिए ये और ये अलग अलग कलर हैं. तो ये जो पोर्शन है ये ठीक ठाक रेनफॉल वाले हैं. ये 150 से 250 हैं ये वाला कलर. तो ये 150 से 250 भी हम देख लें. ये 150 से 250 है जबकि ये जो पोर्शन है ये यहाँ पर अब मानसून तो यहाँ से आया तो डेक्कन प्लेट्यू के इधर इधर तो इसने खूब बारिश कर दी. दक्षिण का पठार ऊंचा उसके उधर बारिश नहीं हो पाई तो इसलिए ये पोर्शन सूखा रह गया. तो ये पोर्शन ये वाला है यहाँ बारिश ही नहीं हो पाई तो ये बहुत स्कैंटी रेनफॉल वाला एरिया हो गया. थोड़ा सा ये वाला एरिया 40 टू 50 हो पाई बस.
और ये ज़्यादा है, ये करीब करीब 150 से 250 का जो एरिया है ये वाला है, 150 से 250। तो हमने ये पूरा रेनफॉल पैटर्न देख लिया इंडिया का, जिसमें देखने से ये पता चलता है ये पोर्शन और मौसिन राम सबसे ज़्यादा बारिश, उससे अगला नंबर आता है इन दोनों का, उससे अगला नंबर आता है ये ग्रीन पोर्शन का, उससे अगला नंबर इनका आता है, उससे अगला ये है, फिर उसके बाद ये ये ये, और यहाँ का तो पता ही नहीं है। सो दिस इज द रेनफॉल मैप ऑफ इंडिया। नाउ नेक्स्ट वेदर, नेक्स्ट सीजन इज रिट्रीटिंग मानसून। सो दैट इज ट्रांजिशन सीजन। एक मौसम से दूसरे मौसम में बदलने वाला सीजन, क्योंकि अब इसके बाद सर्दी आने वाली है, तो ट्रांजिशन पीरियड कहा जाता है, जिसमें एक मौसम से दूसरे मौसम में बदला जाता है, तो उसको ट्रांजिशन सीजन कहते हैं। व्हाट इज रिट्रीटिंग मानसून? नाउ दिस सीजन फॉल्स बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर। दिस सीजन फॉल्स बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर। सो इन दिस सीजन इट इज मार्क बाई क्लियर स्काइज एंड राइज इन टेम्परेचर। फिर धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा। सो एक बार मानसून के रिट्रीट करते समय टेम्परेचर फिर ज़्यादा हो जाता है, गर्मी के बाद जब बारिश आती है तो टेम्परेचर गिरता है, और फिर एक बार फिर से बारिश के जाते जाते बढ़ जाता है। नाउ सो इट इज मार्क्ड बाय क्लियर स्काई एंड राइज इन टेम्परेचर। Now, while day temperature are high, nights are cool and pleasant. ऐसे समय में क्या होता है? While लू तो नहीं चलती है, बस day temperature high रहता है, क्योंकि मानसून आ चुका होता है तो एयर में एक तरीके की मॉइस्चर होती है। So day temperature are high, but nights are cool and pleasant. Land is still moist. Weather is change hota rahega. It is commonly known as October heat. So land to moist hoti hai. Land is स्टिल मॉइस्ट। सो दिस इज कॉल्ड, ये जो सीजन है दिस इज कॉल्ड अक्टूबर हीट, जो कि सर्दी आने से पहले एक बार फील करा देती है गर्मी खुद को। इन द सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर द मर्करी बिगेंस टू फॉल रैपिडली इन द नॉर्दर्न इंडिया। सो आफ्टर 15th अक्टूबर टेम्परेचर स्टार्ट्स फॉलिंग। After 15th अक्टूबर, लेकिन कहाँ पर फॉल होगा? सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया में फॉल होगा। After 15th अक्टूबर टेम्परेचर starts falling, उत्तर भारत में सर्दियाँ पड़ने लगती हैं in नॉर्दर्न इंडिया, क्योंकि वो लैंड है उसके आसपास कोई वाटर बॉडी नहीं है, तो नॉर्दर्न इंडिया में ऐसा होता है। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ ऑल द सीजन। तो हमने सारे सीजन देख लिए। नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज नॉट इक्वल। पार्ट्स ऑफ वेस्ट कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया रिसीव over 400 centimeter of rainfall annually. So
अलग अलग तरीके का रेनफॉल पैटर्न है। मौसिन राम में 200 नहीं 400 सेंटीमीटर या उससे भी ज़्यादा वर्षा होती है, दैट इज अबव 250 सेंटीमीटर। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज नॉट इक्वल। इज नॉट इक्वल, सब तरफ एक जैसी बारिश नहीं होती है क्योंकि सब जगह की टोपोग्राफी यानी उस जगह की जियोग्राफिकल कंडीशन अलग अलग हैं। सो पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट सो कोस्ट का मतलब कोस्टल एरिया। तो अगर हम देखें तो वेस्टर्न कोस्ट कहाँ पर है, ये देखिए। सो नाउ दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, तो इसके ऊपर का भी मैप बना सकते हैं इसे। सो पार्ट ऑफ ये वेस्टर्न कोस्ट है, यहीं तो केरला है तो वेस्ट पार्ट में है, तो दिस वेस्टर्न कोस्ट कोस्टल लाइन तो ये है। नाउ डेक्कन एक्सप्रेस यहीं चलती है। सो पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट कोस्टल लाइन, ये पूरी कोस्टल लाइन है। एंड इसके अलावा यही सबसे डार्क ग्रीन था मैप में, एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ हो गया और ईस्ट हो गया तो यही मेघालय है। तो नॉर्थ और ईस्ट, दिस इज ईस्ट दिस इज नॉर्थ, तो ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। सो ये कहे भी जाते हैं कि ये लोग नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, असम के लोग, मेघालय के लोग, ये सब नॉर्थ ईस्ट में आते हैं। सो वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव्स ओवर अबाउट 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, अबाउट 400 जो कि काफी ज्यादा है सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली। जो केरला गए हों या मेघालय गए हों ये देख सकते हैं कितनी ग्रीनरी है। सो एनुअली वहाँ इतनी बारिश होती है। रेनफॉल इज लेस देन 60 सेंटीमीटर इन वेस्टर्न राजस्थान, पूरे राजस्थान में 60 से कम है, सब येलो कलर का था। सो रेनफॉल इज लेस देन 60 सेंटीमीटर पर एनम इन राजस्थान, राजस्थान में इससे बहुत कम बारिश होती है। नाउ एंड एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ गुजरात हरियाणा एंड पंजाब, एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ गुजरात हरियाणा एंड पंजाब, फिर हरियाणा और पंजाब में इतनी अच्छी खेती कैसे होती है। हरियाणा एंड पंजाब क्योंकि वहाँ इंडस रिवर है, तो जो पहाड़ों से पानी साल भर गिरता रहता है सो ये पूरे साल नदियाँ बहती रहती हैं, तो उसी वाटर से ये एरिया अच्छा हो गया है, अदरवाइज रेनफॉल का सपोर्ट नहीं है। ले इन जम्मू एंड कश्मीर इज ए लो प्रेसिपिटेशन एरिया, ले लद्दाख में तो सबसे कम रेनफॉल होती है 10 सेंटीमीटर। सो ले इज, ले लद्दाख का पोर्शन है इन जम्मू एंड कश्मीर, इन जे एंड के में ही आता है, उसी में लद्दाख भी आता है, अभी तो सब टेरिटरी अलग हो गई हैं और ये जे एंड के, तो ये यूनियन टेरिटरी हो गया है। ले इन जे एंड के इज ए लो प्रेसिपिटेशन एरिया, तो आप जे एंड के न लिखकर आप लद्दाख लिख लें क्योंकि अब ये यूनियन टेरिटरी हो गया है, तो ले उसी के अंदर में आता है। ले इन लद्दाख इज ए लो प्रेसिपिटेशन, तो वहां 10 सेंटीमीटर है सबसे कम जोन, दैट इज लो प्रेसिपिटेशन जोन, सबसे कम बारिश वहीं होती है और वो एक प्लेट्यू है।
Now, the rest of country receives moderate rainfall. Rest of country receives moderate rainfall. बाकी जगह कुल मिला के औसत बारिश होती है. मानसून एक्ट्स एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड, क्योंकि हमारे यहाँ मानसून पूरे भारत में एक साथ आता है तो पूरा भारत एक साथ त्योहार मनाता है. सो मानसून एक्ट्स एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड, यूनिफाइंग बॉन्ड इन इंडिया. एंड वी आर हैविंग मानसून बेस्ड क्रॉपिंग पैटर्न एंड एग्रीकल्चर. हम लोग का रिवर बेस्ड नहीं है, मानसून आएगा तो ही हम खेती करेंगे इन इंडिया, तो इसलिए सारे लोग खुशियों से भर जाते हैं. द इंडियन लैंडस्केप, इट्स एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ, इट्स एंटायर एग्रीकल्चर कैलेंडर एंड द लाइफ ऑफ पीपल इंक्लूडिंग देयर फेस्टिवल इज रिवॉल्विंग अराउंड मानसून. सो इंडियन लैंडस्केप its animals and plants life, plants भी तभी हरे भरे होते हैं, and plant life, the entire agricultural calendar so and the life of people. Including their festivals. Revolve around the monsoon. सो हम लोगों के जितने त्यौहार हैं सब कुछ मानसून के इर्द गिर्द ही रहता है, क्योंकि फसल उगती है, फसल बिकती है, उसी से पैसा आता है. द मानसून विंड बाइंड्स द होल कंट्री बाई प्रोवाइडिंग वाटर टू सेट इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इन मोशन, हैंस पीपल ईगरली वेट फॉर द अराइवल ऑफ मानसून. सो पीपल ईगरली wait for arrival of monsoon. As it brings water, for their agriculture, irrigation. सो एग्रीकल्चर के लिए जो पानी आएगा वो मानसून ही लाएगा, इसलिए सभी लोग इसका वेट करते रहते हैं.